नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और आज हम आपको लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली के कालका जी मंदिर में। इस मंदिर को शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है, इस मंदिर को जयंती पीठ और महासिद्ध पीठ के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण 1764 में हुआ था, लेकिन हमारी धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि यह मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पांडवों और कौरवों ने पूजा अर्चना की थी। चलिए आपको लेकर चलते हैं यहाँ मंदिर में भक्तों और माँ के बीच। विनायक भारद्वाज, जारी मंदिर श्री कालका जी, बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। महंत जी, हम इस मंदिर के इतिहास के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में बताइए, जिससे दर्शकों को यहाँ की आस्था के बारे में पता चल सके। माँ का ये प्रथम स्वरूप है जो माँ जयंती काली कहलाई है। इस मंदिर की स्थापना को आज तकरीबन 4,000-5,000 साल हो गए। माँ पिंडी स्वरूप में यहाँ विराजमान है और श्रद्धालु तभी से आ रहे हैं। भगवान कृष्ण जो है पांडवों को यहाँ लेकर के आए, क्योंकि ये इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई तो इंद्रप्रस्थ में ये स्थान था। माँ जो है इंद्रप्रस्थ की महारानी है, देवी है माँ। यहीं से जो है लोगों की आस्था और विश्वास बढ़ा, क्योंकि उन्होंने यहाँ आकर के, माँ ने जो है उन्हें वरदान दिया पांडवों को विजय का, जो महाभारत के लिए वो जा रहे थे, ये वो स्थान है। देवी ने यहाँ पे रौद्र रूप कैसे धारण किया था? रौद्र रूप माँ ने धारण नहीं किया है, रौद्र रूप तो माँ काली का पहले से ही है। जयंती रूप वो स्वरूप है जिसके अंदर माँ ने सबको शांत कर दिया था, तो ये वो स्वरूप है, राक्षसों का वध किया है। जैसे कि माता के कई शक्तिपीठ है, 51 शक्तिपीठ है, तो सिद्ध पीठ और शक्तिपीठ में किस तरीके का है? सिद्ध पीठ नहीं, माँ का कोई अंग नहीं गिरा है यहाँ पे, माँ पूर्ण विराजमान है यहाँ पर। ये प्रथम स्वरूप है माँ का। यदि आपने दुर्गा सप्तशती को पढ़ा होगा तो उसमें माँ का जो वर्णन आता है कि प्रथम स्वरूप आया है, ये वो स्थान है। आपका कोई ऐसा अनुभव या चमत्कार यहाँ पे जो भक्त आते हैं? चमत्कार है, किसी भी चमत्कार की कोई गिनती यहाँ हम कर ही नहीं सकते। इतने श्रद्धालुओं से भी आप जान सकते हैं, स्वयं तो माँ के साक्षात दर्शन होना है, जो हम कहते हैं कि हमें खुद एग्जाम्पल है हमारे, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ऐसे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ जो हम सोच नहीं सकते जीवन में। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं जीरो से मैं हीरो बन गया, कैसे? मैं तो जब, मेरे पास कुछ नहीं था, सब कुछ है, ये माँ सब भगवती का वरदान है। माता रानी की जो कृपा है वो आस्था में कैसे तब्दील होती है यहाँ पे लोगों को, किस तरह की चमत्कार खेल है ये? श्रद्धा और विश्वास का खेल है। ऐसा अनुभव रहा हो जो खास हो? मैं वही बोलता हूँ, ये श्रद्धा मैं तो बचपन से ही आ रहा हूँ। मैं जब 4th या 5th क्लास में था तब से मैं यहाँ हूँ। मैं सेवा में तो हूँ, यूँ पुजारी परिवार से हूँ और प्रतिदिन डेली मैं माँ के दर्शन करने के लिए आता हूँ। हमारे यहाँ बारी जो है हर महीने बदल जाती है, पुजारी जो है चेंज हो जाते हैं। हाँ, वो हमारा सर्कल चल रहा है पूरा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं किसी भी तरीके की। कुछ मंदिर के बारे में आप बताना चाहें? मंदिर तो बहुत प्राचीन है, सब जानते हैं और श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। मैं कहूँ कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर, सबकी आस्था है तभी आते हैं। और किन किन अवसरों पर यहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहती है? नवरात्रों में मेन जो होता है, और यदि मंथली उसमें कहें तो हर महीने अष्टमी आती है माँ की, उसमें बहुत रश होता है। नवरात्रे तो है ही हैं, बाकी मैंने बताया हर महीने अष्टमी है। नॉर्मल डेज में सैटरडे है, संडे है, ट्यूसडे है, इन दिनों में बहुत रश होता है। यहाँ पर मैंने सुना है कि बलि वगैरह भी चढ़ाई जाती है, बलि के संबंध में आप? माँ को यहाँ बलि भी चढ़ाई जाती है, लेकिन बलि के लिए यहाँ वध नहीं करते, यहाँ साबुत दे देते हैं, माँ को समर्पित कर देते हैं। मदिरा भी चढ़ती है यहाँ पर माँ को। हाँ, सभी अनुष्ठान में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम प्रयोग करते हैं, मिठाइयाँ हैं, फल हैं, ये सब चीज़ की इसमें जो है माँ को जो है, और हलवा छोले माँ को ज़्यादा। तो आज हमने जाना कालका जी मंदिर में आने वाले भक्तों से जुड़े कुछ चमत्कारों के बारे में और यहाँ प्राचीन इतिहास के बारे में।